हेलो स्टूडेंट्स, तो एक और इम्पॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई एनटीए ने जो ये आंसर के रिलीज किया है उसको चैलेंज करने की फीस लगेगी क्या? तो बिल्कुल लगेगी। उन्होंने लिखा है कि जो ऑनलाइन मोड का आपको आंसर की चैलेंज करना है उस पर लिखा है पर आंसर की चैलेंज, यानी हो सकता है ऑनलाइन मोड का अगर एक आंसर की आप चैलेंज करें तो 200 रुपए, और ऑफलाइन मोड जो पेन और पेपर से आप लोगों ने ज्यादातर एग्जाम दिए उसमें पर क्वेश्चन के 200 रुपए लगेंगे जो नॉन रिफंडेबल है, जिसको जो पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो अब ये भी क्या कहा जाए, एक तरह का आप समझ लीजिए कि एनटीए ने कि भाई हाँ हम गलती करेंगे, तुम्हें अगर बताना है तो 200 रुपया तुम ही दो। लेकिन खैर, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन, हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस पर कोई ऐसा क्वेश्चन निकलता है जो गलत है तो एनटीए को आपत्ति की जाएगी और एनटीए इस पर अपनी आपको या तो फिर से दोबारा मार्क्स देगा या उस क्वेश्चन को डिलीट करेगा, वो तो उसका निर्णय वही लोग लेंगे। जिनका आंसर की अभी नहीं खुल पा रहा है वो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सर्वर इशू है, वो धीरे धीरे खुल जाएगा। लेकिन जो आपको मुझे बताना था कि पर आंसर की पे 200 रुपए, यानी पर क्वेश्चन को, अगर पेन पेपर मोड के पर क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हैं तो 200 रुपए की फीस वहां पर आपकी लगेगी। दूसरा यह है कि आपके क्रेडेंशियल, आपको पता है कि एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से वो लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आप अपने आंसर की देख लीजिए, मिलाइए कि जो उन्होंने आंसर दिया और जो आपने आंसर दिया उसमें कोई अंतर है क्या। अंतर है तो अगर उनका अलग है आपका अलग है, यानी आपका आंसर गलत है। लेकिन आपको लगता है कि आपका आंसर सही और एनटीए ने गलत दिया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और 200 रुपये उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। कितने आंसर्स आप लोगों के सही हो रहे हैं ये भी आप हमें जरूर बताइएगा।